तो गाइस आज हो चुकी है 14 दिसंबर और गाइस यहाँ पे आईपीएल 2021 को लेके 14 दिसंबर को गाइस काफी सारे यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी न्यूज के बारे में एंड गाइस यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पूरी तरह से डिटेल्स में, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। तो गाइस सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से गाइस एक रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जहां पे बोला जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच आप सभी को चेंज होते हुए नजर आने वाले हैं और आप सभी को गाइस यहां पे कोच में एक नया जो कि यहाँ पे कोच यहाँ पे जुड़ते हुए दिखेंगे केकेआर की टीम में। और गाइस वो कोच रहेंगे गौतम गंभीर, एक केकेआर के बैटिंग कोच रहने वाले। तो गाइस अभी रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि गौतम गंभीर गाइस आईपीएल 2021 में केकेआर के बैटिंग कोच में आप सभी को नजर आ सकते हैं और केकेआर के बैटिंग कोच बन सकते हैं गौतम गंभीर। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में। तो गाइस दूसरी न्यूज निकल कर आ रही चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही कि चेन्नई सुपर किंग की टीम यहां पे सनराइजर हैदराबाद के केन विलियमसन को टारगेट कर रही है और केन विलियमसन को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। लेकिन गाइस यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की टीम अभी तक यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम को कोई भी रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं किया है और चेन्नई सुपर किंग की टीम गाइस यहाँ पे केन विलियमसन को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं और चेन्नई सुपर किंग की टीम चाहती है 2021 का आईपीएल केन विलियमसन चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेले। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या गाइस यहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम 2021 के आईपीएल के लिए केन विलियमसन को अपनी टीम में इंक्लूड कर पाएंगे या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते तीसरी न्यूज के बारे में। तो तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है एस सिद्धांत की तरफ से। तो गाइस एस सिद्धांत की तरफ से रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि 2021 के मेगा ऑक्शन में गाइस आप सभी को एस सिद्धांत नजर आने वाले हैं और गाइस यहां पे बीसीसीआई ने पिछले साल ही बोला था कि एस सिद्धांत यहां पे इस साल 2020 का आईपीएल नहीं खेल सकते, वो 2021 के मेगा ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं और गाइस यहां पे एस सिद्धांत के ऊपर से बैन भी हट चुका है और इस साल के मेगा ऑक्शन में आप सभी को एस सिद्धांत नजर आने वाले और एस सिद्धांत गाइस आप सभी को किसी भी एक टीम में 2021 के आईपीएल में नजर आने वाले हैं। तो गाइस आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो एस सिद्धांत को देखने के लिए आईपीएल 2021 में, आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन अपना अपना एक्साइटमेंट जरूर बताएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथी न्यूज के बारे में। तो गाइस चौथी न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेके एक आर्टिकल आई है जहां पे बोला जा रहा है कि 2021 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मिचेल स्टार्क के पीछे पूरी तरह से भागने वाली है और जैसे कि यहाँ पे मिचेल स्टार्क के पीछे इस बार काफी सारी टीम ऐसी भागने वाली है और मिचेल स्टार्क को गाइस पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने गाइस एक प्राइस यहाँ पे सेट कर दिया है जहाँ पे गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम उस प्राइस तक वो जाने वाली है एंड गाइस अगर उससे भी आगे यहाँ पे बोली लगती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहाँ पे अपना कदम पीछे हटा लेंगे और मिचेल स्टार्क को अपने हाथ से जाने के लिए देने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम कितना पैसा देने के लिए तैयार है मिचेल स्टार्क को। तो गाइस यहाँ पे जो रेट रखा गया है, प्राइस रखा गया है, यहाँ पे 11 करोड़ रुपए का यहाँ पे देने के लिए तैयार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और 2021 के मेगा ऑक्शन में मिचेल स्टार्क यहां पे मेगा ऑक्शन में आएंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 11 करोड़ तक जाएगी और अगर उससे भी आगे निकल जाते तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपना कदम पीछे हटा लेंगे जैसे कि पिछले साल हम सभी को देखने को मिला था पैट कमिंस के ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 11 से 12 करोड़ तक गई थी एंड उसके बाद यहाँ पे वो अपना कदम पीछे हटा लिए थे। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, 2021 के मेगा ऑक्शन में कौन सी टीम आप मिचेल स्टार्क को अपने टीम में इंक्लूड करेगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा कौन सी
सी टीम को सबसे ज्यादा नीड है मिचेल स्टार्क की, तो ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी न्यूज के बारे में। तो गाइस आखिरी न्यूज निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के स्टार्टिंग डेट को लेके। तो गाइस आईपीएल 2021 के स्टार्टिंग डेट को लेके एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पे बोला जा रहा है 2021 का आईपीएल आप सभी को स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा अप्रैल के 7 तारीख को। जी हां गाइस, यहां पे अप्रैल के 7 तारीख को या फिर 9 तारीख को, गाइस इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को आप सभी को 2021 का आईपीएल देखने को मिलने वाला है। तो गाइस आईपीएल 2021 को लेके ये पांच बड़ी अपडेट, शानदार अपडेट्स निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।